সর্বজয়ী শৌর্য ভরদ্বাজ। না, ইনি কোনো ক্রিকেটার বা অভিনেতা নন, তবু সোশ্যাল মিডিয়াতে তার ক্রেজ যে কোনো আন্তর্জাতিক তারকাকে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারে। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বললেই আপনাদের রিলেট করতে আরো বেশি সুবিধা হবে। বাঘি সিনেমাটা দেখেছেন নিশ্চয়ই, যেখানে টাইগার শ্রফের অনস্ক্রিন অ্যাকশন দেখে গায়ে রোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। তবে হাতে কোনা কয়েকজন মানুষই আছেন যারা টাইগার শ্রফের অ্যাকশন গুরুকে চেনেন। গ্র্যান্ড মাস্টার শৌর্য হলেন সেই ব্যক্তি। সিনেমাতে তিনি সেই চরিত্রে অভিনয়ও করেন। শুধু কি তাই, তার কাছ থেকে মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ নেয় দেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক এলিট কমান্ডো ফোর্স। 26 আগস্টের পর ইনি মুম্বাই পুলিশের স্পেশাল অ্যান্টি আরবান টেরোরিস্ট ট্যাকটিক্স ইনস্ট্রাক্টর, দেশের পদাতিক সেনা ও স্পেশাল কমান্ডোদের প্রশিক্ষক শিবুজি শৌর্য ভরদ্বাজ। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আয়োজিত মিশন সাহসী কর্মশালার জন্য তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রশিক্ষণ সেন্টারে তিনি উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষক হিসেবে। মাধ্যমের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে কি জানালেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। নমস্কার, আমি তপজা, আপনারা দেখছেন মাধ্যম। আর আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন আজকে আমাদের মাধ্যমের গেস্ট, তার আলাদা করে পরিচয় হয়তো আপনাদের সঙ্গে না করালেও চলবে, তবু আমার কিছুটা দায়িত্ব থেকেই যায়। তিনি হচ্ছেন শিবুজি শৌর্য ভরদ্বাজ। ওয়েলকাম টু মাধ্যম স্যার। নমস্কার ম্যাম। আপ বহুত এনার্জাইজ থে উধর জি। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দ্যাট এনার্জি? ভগবতী, মাই ধর্ম। সো দ্য সোর্স অফ মাই এনার্জি, জো মেরা ঊর্জা কা স্রোত হে, ও দো চিজ হে। এক ইসকো কহতে হ্যায় নিয়ত। अगर आपकी नियत साफ है तो यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर दैट। वो ऊपर से आता है, बिकॉज आई एम अ बिलीवर ऑफ भगवती, माँ भगवती, महाकाली एंड भोलेनाथ महाकाल। सो व्हाट हैपेंस, यू गेट द एनर्जी फ्रॉम देयर, बिकॉज बिफोर ऑल दीज वाईफाई केम इन एग्जिस्टेंस देयर वाज अ वाईफाई ऑफ द गॉड, जहां से सब सोर्स ऑफ एनर्जी आती है। दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है सूर्य। सो व्हेन यू वेक अप विद द सन, यू डू एक्टिविटीज लाइक दैट। एंड प्रॉब्लम इज, पीपल फील टायर्ड जब वो कुछ कर नहीं रहे होते हैं। अगर आप पूरा दिन काम करोगे तो आप थकोगे नहीं। okay. आप एक बार थक के सो जाओगे। सो सोर्स ऑफ एनर्जी एक तो है भगवती, दूसरा है फॉलो धर्म। धर्म क्या कहता है? मेरा, मैं अगर सनातन, मैं भारतीय फर्स्ट, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, इसीलिए मैं, और मैं फिर सनातनी हूँ। सनातनी होने के कारण मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकता। right. और मेरा धर्म सनातन क्या कहता है, मैं जब शिखा रखता हूँ इसका मतलब है कि मेरा दायित्व है। दायित्व ये है कि जो मेरे धर्म में लिखा हुआ है ना, उसका पालन करूं। और धर्म में क्या लिखा हुआ है, आपका धर्म आज मेरे जब ग्राउंड पर, तो मेरा धर्म है गुरु का। तो मैं क्षत्रिय धर्म और गुरु धर्म दोनों से, तो मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, कर्म से क्षत्रिय हूं। एक्सीलेंट। और ग्राउंड पर जो हूं तो मैं वहां पर गुरु हूं। और गुरु, अगर गुरु की ऊर्जा कम हो गई तो आप समझ लीजिए पूरा बिखर जाएगा। सो ऊर्जा के स्रोत ये जिम्मेदारी। राइट। एक हमारा, मेरी भगवती भोलेनाथ, मेरा धर्म, उसके साथ एक ऊर्जा इन बच्चों की। आप देखिए, मैं तो अकेला हूं, मैं उपासना कर रहा हूं। क्या आप पूजा करने में थकते हैं? नहीं, मैं पूजा कर रहा हूं। राइट। हम काम थोड़ी कर रहे हैं। अगर मैं भगवती का उपासक हूं तो हर जो बेटी उधर खड़ी हुई है वो मेरे लिए कौन है? वो भगवती का स्वरूप है। तो जब मैं भगवती की पूजा कर रहा हूं, आरती, तो मैं तो इंजॉय कर रहा हूं। इसीलिए आपने देखा होगा मैं इंजॉय करता हूं उस चीज को। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हंसी खेल में, क्योंकि उसको लाइट में रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, मेंटली टायर्ड हो जाएंगे बच्चे। सुबह से कर रहे हैं मैम, इट्स बीन 10 o'clock से लेके वी आर सिटिंग एट 6, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hours, उसमें से सिर्फ 40 minutes का ब्रेक हुआ है। 7.5 hours वो लड़कियां जिनने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्राउंड पर नहीं रही है, वो बच्चे को डॉक्टर से मैक्सिमम मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन वो क्यों कर रही है? बिकॉज एनर्जी है। तो उनकी एनर्जी और हमारी, हमारे मंदिर में एनर्जी, आपको कभी किसी मंदिर में आपको एनर्जी लो कभी भी दिखा? कभी भी नहीं। ये मंदिर है, तो वो मंदिर है और वहां देवियां वो है जो वहां ट्रेनिंग कर रही है। मैं तो मैम उपासक हूँ, छोटा सा उपासक हूँ भगवती का। मैं अपनी, मैं उनके चरणों में वंदन करने आया हूँ। मैं उनको अपना, मैं क्या बोलता ना, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। एनर्जी कब जाती है? जब आप पकड़ते हो। अगर मैं ऐसा होगा कि ये करो वो करो तो आपकी एनर्जी जाएगी, ऊर्जा जाएगी, क्योंकि आपने अकड़ है। ऐसे में आपकी कभी एनर्जी नहीं जाएगी। जब आप ऐसे बैठते तो आपकी एनर्जी नहीं जाती। आप ऐसे बैठ के ताना ऐसा कर रहे हो आप, तब तो हम ऐसे है ना, भक्त है ना, भक्त है, भक्त की एनर्जी वो ऊर्जा उनकी है, बेटियों की।
सो बस इसीलिए वो ऊर्जा उनकी दी हुई अपनी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके जाने के बारे में कुछ बताइए ना। मैम मेरा एक नियम है जीवन का कि मैं पास्ट की बात नहीं करता हूँ और फ्यूचर की। क्यों? पास्ट के ऊपर ही तो हम लोग खड़े रहते हैं। बताता हूँ, मेरा मानना यह है कि हम जितना पास्ट को घसीटते हैं आप पर उतना बोझ आ जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बताऊंगा मैंने ये किया वो सब झूठ है। क्यों? हम इस मोमेंट को जीते हैं। यही मेरे गुरुओं से सीखा, यही मेरे माता पिताजी से सीखा। आज आप सुबह से रात तक क्या करते हो, मेरा पूरा जीवन इसी में गया है। मैं सुबह उठता हूं और रात तक काम करता हूं और थक कर सो जाता हूं, फिर सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। सीधा है, मैं ना ये सोचता हूं मैंने क्या किया है और ना मैं सोचता हूं कल क्या करूंगा। प्रॉब्लम ये है ना, आधे इस बात से परेशान है कि हम ये थे और आधे इस बात से परेशान कि हम ये बनेंगे। मेरा ऐसा कुछ नहीं है मैम, जो दिया गया है मैम इतना इतना खत्म हो गए लोग कोविड में। और मैं ऐसो की बात करूं जिनका 10,000 करोड़ था, चुटकी बजाई उसने, खत्म। तो आप किस बात पे घमंड कर रहे हो? आगा है अपनी मौत पर कल की खबर नहीं, ये मेरे पिताजी का एक शेर है। आगा है अपनी मौत पर, मतलब हम रोज अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। आगा है अपनी मौत पर कल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कि आपके पास इतना सामान इकट्ठा कर लिया है। और जब हम पीछे की बात करते हैं तो हमें अहंकार, हमें अहंकार नहीं, हमें घमंड आता है। अहंकार और घमंड में फर्क है। अहंकार था कर्ण में, अहंकार था कर्ण में कि वो भगवान प्रभु श्री कृष्ण से लड़ गया। आप सोचिए, घमंड था रावण में, कर्ण भी दुर्योधन की तरफ से लड़ा, लेकिन उसमें अहंकार, अहंकार का मतलब क्या है? अहम आकार, मुझे मेरा आकार पता है। आप सोचिए ना, तो आकार, अगर आप किसी भी चीज को, आप किस बात पे बात करोगे? घमंड तो भोलेनाथ को होना चाहिए, लेकिन वो शांति से बैठे। आपको पता है उनको क्यों घमंड होना चाहिए? बताता हूं, लिखा हुआ है साहब शास्त्रों में, किताबों में लिखा हुआ है जो पढ़ाई है, वासुकी नाग है उनके गले में। उसकी हाइट है, वासुकी महाराज की हाइट जो लंबाई है वो है 51 मीटर। तो अगर वासुकी नाग 51 मीटर के है जिनको समुद्र मंथन किया गया था, तो कितने लंबे होंगे? 3,900 देवता और 3,900 दैत्य जिसको रगड़ रहे थे, कितना लंबा होंगे? अगर उनको 3 बार लपेटते हैं तो वासुकी नाग जिसके कंधे पर लपटे हुए हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 भी करोगे तो 17 मीटर का उनका शोल्डर है। तो अगर 17 मीटर का उनका शोल्डर है तो वो जिस पे नंदी पर सवारी करते हैं, नंदी महाराज का साइज क्या होगा? और जब भोलेनाथ खड़े होंगे तो क्या होंगे? लेकिन उनको घमंड होना चाहिए, लेकिन वो कैसे बैठे हैं? शांत। और जिस सिंह पर बैठे हैं, जिस शेर पर बैठे हैं, वो तो और चौड़ा है, तो उसकी कितनी चौड़ाई होगी? और उस सिंह पर जिस पे माँ भगवती अष्टभुजाधारी बैठती है, तो उनका क्या साइज होगा? उनको अहंकार नहीं है। सोचिए, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग हैं पास्ट, आप जैसी पास्ट में गए कि हमने ये किया। पूरे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है वंस अपॉन अ टाइम हम ये थे, तो आप क्या करें? हम क्या करें? आप कुछ थे तो आप आज क्या कर रहे हो? हम आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा ब्रेक है, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं रिलैक्स करूं, कॉफी पीऊं? नहीं, मैंने क्या बोला? मैम मेरे पास इतना ही समय है, मैंने आपसे निवेदन किया, आप भी भगवती हो, मैंने निवेदन किया मैम हम उसमें अपना उपयोग कर रहे हैं, यही, क्योंकि अभी इस क्षण में मैं सिर्फ 1,00,000% आप पर, आपकी बात पर जवाब दे रहा हूं, 1,00,000%। यही मैंने सीखा है, कोई 1 पैसा दे तो 1 करोड़ का काम करो, फिर देखते हैं कॉम्पिटिशन कैसे होता है। यही है मैम सीधी बात, मैं पास्ट की नहीं, आप, मैं पास्ट पे आपको बहुत सारी कहानी बता सकता हूँ। अच्छा, पास्ट सब झूठ है, मैंने देखा है। जो तरक्की कर चुका है उसकी हर कहानी सही, और जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है उसका हर सच झूठ। कोई किसी का सच चेक करने नहीं जाता, लेकिन वो बताता है एक बार ये हुआ कि हम यहां गए थे फिर ऐसा हुआ, ना 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 ना, सब झूठ है। सच ये है कि तुम आज क्या कर रहे हो। तो मैं कोशिश करता हूं इस क्षण में, यही मेरे धर्म से मैंने सीखा, यही मैंने अपने माता पिताजी से सीखा, यही मैंने अपने गुरुओं से सीखा। आज मैं जिए, आज पता नहीं कब ऐसा हो जाए, कल जब उठेंगे कल भी एक आज होगा, तो कल फिर एक आज जिएंगे। इसीलिए मैं मैम पास्ट की बात करता हूं, मैंने क्या किया मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वतन के लिए क्या कर पाया और मेरा वतन बेहतर क्या बने। मैं अपने लिए बहुत कुछ कर लेता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता, वो तो तुमने अपने लिए किया, वतन के लिए क्या किया? हर वो इंसान जो चुप है वो गद्दार है, हर वो इंसान जो अपनी ताकत के हिसाब से समर्पण नहीं कर रहा इस राष्ट्र के लिए वो गद्दार है, और हर वो इंसान जो अपनी कहानी बड़ी बड़ी बताता है वो भी गद्दार है। क्यों? तुम बच्चों को बरगला देते हो एक ऐसी झूठी कहानी बता के,
उनको क्या दिखता है, अरे ऐसा करेंगे तो ऐसा, नहीं मैम, सक्सेस की कहानी होती है। मैंने एक लाइन लिखी थी, जो कीमत है, कीमत वैल्यू, अगर आप जीत गए तो आपकी जीत के 100 बाप मिलेंगे, मतलब 100 बोलेंगे मैंने ट्रेन किया, ये मेरा चेला था, ये था, वो था, मैं इसका दोस्त हूं। अगर आप जीत गए तो उस जीत के 100 पिता हैं, 100 माँ हैं। अगर आप हार गए तो हार वही नाजायज हो जाती है, कोई अपनाता नहीं है उस हार को। तो अपना गया, पर आज पर काम करते हैं, अब इसको जीत हार वो डिसाइड करें, आप लोग डिसाइड करें। आई एम जस्ट गेटिंग सो मच एनर्जी फ्रॉम यू राइट नाउ। यू, इट सीम्स लाइक यू यूज्ड टू वर्शिप वुमन, सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक ट्रेनिंग फॉर सेल्फ डिफेंस राइट नाउ इन टुडेस डेज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सी, वंस व्हेन वी से सेल्फ डिफेंस, इट्स वेरी नेगेटिव टर्म। आई ऑलवेज से व्हाई शुड वी टेल वुमेन दैट दे आर वीक? Yes, right. आप बोल रहे हो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करो, मतलब ऑटोमेटिकली देन यू आर टेलिंग दैट दे आर वीक। एग्जैक्टली, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। नो, आई डोंट गिव अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। सो द ट्रेनिंग व्हाट वी प्रोवाइड, व्हाट आई इन्वेंटेड, कॉल्ड मिशन प्रहार ट्रेनिंग सिस्टम। एग्जैक्टली। नाउ मिशन प्रहार ट्रेनिंग सिस्टम एंड मिशन प्रहार, वी कोलैबोरेटेड विद एबीवीपी, और हमने एबीवीपी के साथ जब हमने मिशन साहस से हमने शुरू किया 2018 से, मिशन प्रहार 1999 से चल रहा है। तो हमने जब ये कोलैबोरेट किया तो हम लोग का एक उद्देश्य बहुत किया था। अभी इतनी देर थी, मैंने कहीं पे भी उनको नहीं बोला कि बच्चों मैं सिखा रहा हूं मारो। क्यों? सेल्फ डिफेंस में 97 से 104 तक सेक्शन है आईपीसी के। अब बीएनएस में बदल गए हैं, नई सैन्य तो सेक्शन बदल गए हैं। आप अपना बचाव करते हुए मार रहे हो। और क्या लिखा है ये चाणक्य सूक्त में भी लिखा हुआ है, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टो दुष्टम समाचरेत। आप मुझसे कृतज्ञता से बात करेंगे तो मैं इज्जत दूंगा। कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम, आप हिंसा करने आओगे तो मैं दुर्गा हूं, महाकाली हूं, तत्र दोषो न पतति, ऐसे में कोई दोष नहीं लगता क्योंकि आप मार नहीं हो, आप वध कर रहे हो। मां भगवती ने मधु कैटव का वध किया, उनको मारा नहीं, उनकी हत्या नहीं की। अगर सेल्फ डिफेंस में वो बच्ची मार दे, और मेरा है ना मैम, बाद में रोने का क्या मतलब, बाद में समाज रोता है मैम, लेकिन जिसका नुकसान होना है वो तो हो गया। तो हम प्रोएक्टिव कर रहे हैं कि कल को अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप मारो और आप बच के निकलो वहां से। हम ये नहीं कह रहे कि आप सेल्फ डिफेंस करो, नहीं, सर्वाइवल है, सर्वाइवल दो वर्ड है। सेल्फ डिफेंस में क्या होता ना, अगर इसका मतलब देखो तो बहुत गलत इंग्लिश है सेल्फ डिफेंस। एग्जैक्टली, मतलब सेल्फ का मतलब होता है क्या, खुद से, खुद से। डिफेंस का मतलब बचाव करना, तो खुद से बचाव ये तो शब्द ही गलत है। खुद से बचाव कैसे होगा, खुद से बचो या खुद से बचना, सेल्फ डिफेंस इज द रॉन्ग टर्म। हम बोलते सर्वाइवल। कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैं नहीं चाहता भगवती किसी के साथ हो, लेकिन अगर हो तो बच्ची उस दिन बच सके, वो महिला अपना बचाव कर सके और सर्वाइव कर सके और प्रोटेक्ट करके वहां से निकल सके। इसीलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूं ये तो प्रॉब्लम का साइन हो गया। हम अगर ये बात करें क्यों इंपॉर्टेंट, मुझे इसमें बात ही नहीं करना। क्यों? मैं समस्याओं पर बात नहीं करता हूं, मैं समाधान पर काम कर रहा हूं। I never speak on the problems. I've been working on the solution and I'll prove that one day that this is the only solution. Why to discuss about the problem? ऐसा तो पूरे मीडिया चैनल पर बैठ के दिन रात डिबेट चल रहे हैं, right. सोल्यूशन बताना जरा। आज तक इतने हजारों जो डिबेट होते हैं चैनल्स पे बैठ के, मुझे एक का सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं? नहीं, प्रॉब्लम बड़ी हो रही है उससे। हाँ, वो जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी है, उसमें स्तंभ है हमारा, फोर्थ पिलर है हमारा मीडिया। बट मैं ये कह रहा हूं, अगर उसी, समझिए प्रॉब्लम हुई, अगर उसी दिन गवर्नमेंट उसका सोल्यूशन निकालने लगे तो वो डिबेट का मतलब निकालने लगेगा। सो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द डिबेट, आई एम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन साइड। कि हम क्यों बताएं क्या प्रॉब्लम है, नहीं नहीं सबको बताए ना, इतने भी मासूम ना बनिए गालिब। एक वो शेर है गालिब का कि इतने भी मासूम ना बनिए गालिब कि कत्ल हुआ मालूम ही नहीं, कि मारे भी गए आप और आपको पता ही नहीं क्यों मारे गए, इतने भी मासूम ना बनिए गालिब। तो ठीक है ना, किस क्यों करना चाहिए, मेरे को उससे भी लेना देना नहीं है। मैं करवा रहा हूं इतनी, मैम आज आप सोचिए पूरा ऑडिटोरियम भरा है, हमारे पास जगह ही नहीं है और बच्चे आने वाले हैं, लेकिन हम लोग एडजस्ट कर करके कर रहे हैं। पानी नहीं गिरता तो हमारे पास डबल ट्रिपल स्ट्रेंथ थी आज, लेकिन हम लोग कैसे कंपाइल करके करें, क्योंकि होना चाहिए। ना सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, दुष्यंत जी ने लिखा है, इसीलिए मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश कर रहे हैं। हंगामा तो पूरी दुनिया खड़ा कर रही है, समाधान है तो बात कर,
वरना तुम फिर खुद एक समस्या हो, अगर तुम समस्या पे बवाल बचा रहे हो, तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं है। कोई कहता है तुम्हारी शर्ट में दाग लगा है, वो तो हमें ही मालूम है, मिटाता मिटा के दिखा। सब कहते हैं ना कि चूनर मैली हो गई, धो के दिखा। सब आए हैं यहां पर चूनर को तार तार करने। मैम लूटने वाले तो आज से थोड़ी हिंदुस्तान में, ये तो वही थे जो छोड़ के गए हैं, अरब्स आए, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, मानसिकता उन्हीं की, वो आज भी लूट रहे हैं। पहले देश का खजाना लूटते थे, आज देश की इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। तो पहले भी इस राष्ट्र ने, भारतवर्ष ने उनको बदला लिया, आज भी करेंगे। मैं रहूं ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं छोटा सा इंसान हूं, उसके आज एक दायित्व दिया है, काम कर रहे हैं। हम रहे ना रहे, ये आगे बढ़ते रहना चाहिए। That's it. हमारे बाद कोई और आएगा, करेगा कोई ना कोई। You are talking about that mission Prahar that is starting from started at 1999. More than as much as I know that more than 39 lakhs women have been positive for that. They have been trained. How does it feel for you? मैं तो भूल चुका हूँ। मैं आज काम कर रहा हूँ। मैंने फिर से जो कहा था। मैं मगर मैं सोचूंगा ना तो मैं अपने आप में बहुत अकड़ा जाएंगे, बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि मैं गिनवाने पे आ जाऊं तो मुझे पता है। आप खुद सोचिए ना, लोग अपने जीवन में 500 लड़कियों से नहीं मिल पाते होंगे एक बार में। मैम मैं हर दूसरे दिन 5000 बच्चियों को, हर पांचवें दिन 5000 बच्चे, 10000 बच्चियां सिखा रहे हैं। तो अगर करेंगे घमंड आ जाएगा, इसलिए हो गया मैम। हम देखिए, हम तो सेवा कर रहे हैं मैम, हम ये थोड़ी गिनते कितने बार मंदिर गए, मंदिर जाते हैं, आरती अपनी आराधना करते हैं अपनी, जो मुझे छोटा मोटा आता है मैं खुद सिखाता हूँ, जो मुझे आता है। मैं कोई ना, मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ ना कोई मार्शल आर्टिस्ट हूँ ना कुछ, मैं छोटा सा मैम, जो मुझे ज्ञान है छोटा मोटा, जो मैंने गुरुओं से सीखा, यहाँ से थोड़ा सा कल्टी किया, सब जगह से कल्टी। लोग मल्टी टैलेंटेड है, हम कल्टी टैलेंटेड है, हमने सब जगह से नॉलेज कल्टी किया और हमने उसका मिक्स बना के दे दिया, क्योंकि मुझे इतना पता है चाट बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि घटपट है वो। तो जो काम का है, थोड़ा आलू, थोड़े मिर्च, थोड़ा सा उसमें मिठाई, थोड़ा सा उसमें मीठी चटनी, वही हमारा मिशन प्रहार की ट्रेनिंग सिस्टम है। इस वही हम साहसी के साथ कर रहे हैं ये पूरा का पूरा कैंपेन। हमारा सिर्फ इतना मैम, जो किया वही है ना, न कल था न कल है, आज था आज है, आज ही रहेगा। राइट, तो हम क्यों ठीक है कर दिया मैम, बस ये है। हाँ, जिम्मेदारी लगती है, क्योंकि इस बात का दुख है कि जब इस देश में कोई बलात्कार होता है, इस देश में जब कोई घटना होती है, तो मैं अपने आप उसका जिम्मेदार मानता हूं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जिस दिन हम उसका जिम्मेदार मानने लगे ना, देश बदल जाएगा। Exactly. मैं इस बात का जिम्मेदार मानता हूं कि काश मुझे मौका मिला होता उन बच्चियों को ट्रेनिंग करने का, तो शायद वो बच पाती, उस स्थिति से बच जाती। तो कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार है ना। बहुत सरल है किसी पर उंगली उठाना, मैं खुद पर उंगली उठाता हूं, मैं जिम्मेदार मानता हूं। अगर इन बच्चियों का रेप जब हुआ, जब भी जो चीज हुई, काश हम कुछ ट्रेनिंग दे पाते, तो मैं उस्ताद के तौर पर, मास्टर जी के तौर पर, गुरु के तौर पर, मैं शायद उन तक नहीं पहुंच पाता। तो अभी तो मैं बहुत काम करना बाकी है, बहुत, मतलब एक जीवन बहुत कम है भारत माँ का कर्ज चुकाने के लिए। हजार बार जन्म लेना पड़ेगा तब कहीं शायद इतना सा कर्ज चुके। तो लगे हम कर्जदार हैं माँ के, चुका रहे हैं भारत माता का कर्ज, और कुछ। वेरी मच पॉजिटिव वाइज राइट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम यू। दिस इज माय वाओ मोमेंट ऑफ टुडे। ओके, आई एम जस्ट सिटिंग बिसाइड यू। इज देयर एनी वाओ मोमेंट इन योर लाइफ, वुड यू लाइक टू शेयर द स्टोरी विद अस? हर क्षण मैम, हर क्षण वाओ है, हर क्षण वाओ है। मेरी सांस चल रही है, ये सबसे बड़ी उसकी कृपा है। मैम सबसे बड़ा, दुनिया में 16 लाख से 15 लाख से 20 लाख लोग मर जाते हैं रोज, उसने मुझे सांस दिया मैम। वाओ तो ये है ना, आपसे बात कर रही है वाओ है, अभी जाके काम करेंगे वो वाओ है, इतना थक गए कि जूते नहीं उतार पाए, सो गए जमीन पे, वो वाओ है, जमीन पर बैठकर खाता हूँ वो वाओ है। मेरे लिए हर चीज वाओ है मैम। मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी वाओ चीज है कि मेरे माता पिताजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, मैं भारत की भूमि पर पैदा हुआ हूँ। इससे बड़ा कोई वाओ मोमेंट नहीं है। मेरा जन्म उस भूमि में हुआ है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, जहाँ पर हमारे सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान साहब, अब्दुल हमीद साहब, ऐसों ने जन्म लिया था उस समय में। यही तो वाओ है, तो हमारा तो जन्म से लेके आज तक वाओ ही वाओ है। हमारी तो मौज है मैम, हम भारत में पैदा हुए हैं। यही मैम अपना सबसे बड़ा भाव है, माटी की सुगंध, माटी की पहली बरसात की वो खुशबू, वो भी भाव है, और जो भारत की राख है वो भी भाव है। तो मेरे लिए हर चीज भाव है, यही हमारा। Do you believe that women has to face a lot of things
ईच एंड एवरी डे, इट इज टफर फॉर दे टू सर्वाइव. नो मैम, आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट. इट्स अ वेरी नेगेटिव अप्रोच. औरत मैम अपनी पर आ जाए तो उससे बड़ी ताकतवर कोई है नहीं, शक्ति है वो. ये महिलाओं को समझना पड़ेगा कि जिस दिन आप अपने हस्बैंड से 50% पेमेंट मांगने लगेंगे, जैसे मैं सरकार से हमेशा, मेरी ये मांग है बहुत बड़ी आपके इंटरव्यू से, आप इसको उछालिए. हमारी मांग ये है कि अगर पति 50,000 रुपए कमाता तो 25,000 रुपए उसकी बीवी को, मैं तो बोलता हूँ 30,000 रुपए मिलना चाहिए. वो सबसे ज्यादा काम करती, घर में सबसे पहले सुबह उठती है, रात को सबसे आखिरी में सोने जाती है. ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी पेमेंट का 60% उसकी वाइफ को दीजिए. अपनी वाइफ को देना चाहिए आपको या अपनी माँ को देना चाहिए. अच्छा एक कैलकुलेशन बताता हूँ. महिलाओं को तो एम्पावर्ड फील करना चाहिए, उनने पाला है लोगों को. कैसे पाला है? आप एक दिन का एवरेज 100 रुपए का आपका खाना होगा, आप टिफिन बनाएंगे 100 रुपए, 100 रुपीज मिनिमम हो गया. मैं बोलता हूँ पूरे दिन का मान रहा हूं मैं, 3 मील में 25-25, सस्ता मान लीजिए जो भी सबसे ज्यादा 25, 100 रुपीज में आपका एक दिन है. 365 days into 100 मिनिमम बोल रहा हूं मैं. उसके बाद कुकिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस सब मिला के 365 into 150 या 200 into as many years यू लिव्ड, इतना आपका देना बनता है अभी आपकी माँ को, आपकी बीवी को, अपनी बहन को दीजिए. तो एम्पावरमेंट स्ट्रगल मैम, महिलाओं ने जिस दिन स्ट्रगल समझ लिया ना, इस देश की सबसे बड़ी क्रांति और विद्रोह हो जाएगा अगर भारत में एक दिन किचन रुक जाए. आदमियों की हालत इतनी बुरी है, पानी नहीं उबलता इन गधों से. मैं खुद की बात करूं, बहुत सारे ऐसे दोस्तों में सबको जानता हूँ, हमारे घर में नियम है संडे है अगर हम है तो हम खाना बनाएंगे. सो यू आर नॉट एक्सपर्ट इन कुकिंग और एवरीथिंग? आई एम वेरी एक्सपर्ट. नो आई एम वेरी एक्सपर्ट. वी आर संडे है अगर मैं घर पे हूं, मैं खाना बनाता हूं. अच्छा. हाँ, मैं बर्तन मान लेता हूँ. हमारे घर में काम डिवाइड हो जाता है. ओके. माय वाइफ वर्क्स मोर देन मी. मैं अगर इधर बैठा हूँ तो इसलिए क्योंकि बिकॉज माय वाइफ इज वर्किंग देयर, शी ओन्स द कंपनीज. माय डॉटर वर्क्स हियर, माय डॉटर ओन्स अ कंपनी, दे ओन देयर ओन वर्ल्ड. माय वाइफ इज एन एस्ट्रोलॉजर एज वेल, माय डॉटर इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट. तो वो अपना काम करते हैं, उसके बाद डीओपी है, उसके बाद वो चेयरमैन है कंपनीज की. तो मैम सुबह से रात तक, ये कैसी बात हुई कि हम खाना बनाए और तुम हमारा अपना भी काम करो हमारा? ना ना ना, बहुत सिंपल है. अगर मान लीजिए मेड नहीं है, कुक नहीं है, वी आर ब्लेस्ड की सर्वेंट्स है, नहीं है मान लीजिए, सब अपने अपने काम बांटो, अपना अपना काम करो. सिंपल सी बात है. अगर हमारे घर में खाना बनाए पूरा देश सुधर जाएगा, अगर आदमी ये ना बोले कि हमें खाना ला के दो. बन गया है ना, खुद उठाओ गर्म कर लो खा लो, ये कौन सी शर्म की बात है? ये किस टाइप के लोग हैं? मतलब हम मर्द हैं तो तुम खाना बनाओगी भी और हमें पर्स के भी दोगे और हमारे रिलेटिव आ गए, ये कौन सी बात है? ना ना ना, ये गलत अप्रोच है. तो यही है, महिलाओं को जागना पड़ेगा और ये विद्रोह करना पड़ेगा. भाई आप 50-50 के पार्टनर है, इवन मैं कहता हूं महिलाएं 60% काम करती, पुरुष सिर्फ और सिर्फ 40% करता है, क्योंकि उसको सिर्फ बाहर जाना है. और महिलाओं के लिए जो ये ना स्ट्रगल, अगर आपको घर का स्ट्रगल, मैं लाइफ कोच हूं, मैं जो रिलेशनशिप कोचिंग उनकी करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं महिलाओं को सिर्फ एक चीज सीखना है, पुरुष की आदत में महिलाओं से लड़ना नहीं है. वो दिन भर परेशान होके आता है, उसको सिर्फ उसको ना, जब वो घर आता है मैम उसको सिर्फ आधा घंटा चाहिए. उस पूरी पूरी दिन भर में जो उसके साथ गुजरा है वो बता नहीं पाता है, वो अपने इमोशंस को दबाने के लिए. और एक बड़ी कमाल की लाइन है मैम कि माँ और बाप में सिर्फ इतना देख रहे हैं कि माँ बोलते हैं तो मुंह खुलता है और बाप बोलते हैं तो मुंह बंद हो जाता है. तो जिस दिन हम ये सीख गए ना कि माँ वो है जिसके सामने आप कुछ भी बता सकते हो, पिता वो है जिससे सब छुपाते हैं, जिस दिन ये समाज ऐसा हो गया ना कि माँ के सामने, माँ सबसे बड़ी है. मैम इसीलिए तो भारत माँ, पिता नहीं है मेरे लिए कभी बन भी नहीं सकते, भारत माँ है. तो सीधी सी बात है, महिलाओं के लिए मुझे लगता है बहुत धन्यवाद है हर उस माँ, हर उस बहन, उस बेटी को जो आपका ये चैनल देख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो नहीं होते तो हम लोग नहीं इतना अच्छे से काम कर पाते. वन लास्ट क्वेश्चन जस्ट फॉर यू. देयर इज स्टिल द स्टीरियोटाइप्स माइंडसेट दैट दैट डू नॉट हु डू नॉट एक्नॉलेज द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन. व्हाट वुड बी योर मैसेज टू चेंज दैट माइंडसेट ऑफ दैट पीपल? मैम गधे हमेशा थे, कुत्ते हमेशा थे, इससे शेरनियों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. Yes. राक्षसों से भगवती को क्या फर्क पड़ता है? भगवती अपनी है, काट डालेगी जिस दिन चाहेगी. और ये कुत्तों की परवाह कब करने लगे? गाड़ी जो है ना, जब गाड़ी चलती है कुत्ता भौंकता है, आपने देखा होगा. आप उसको गाड़ी की चाबी भी दे दो कि चला लेगा क्या? रोकने से क्या होता है? विरोध उनका होता है जो बड़े होते हैं. कभी आपने, मैंने जिंदगी से सीखा, कभी कोई बड़ा आदमी ना अपने से छोटे की बुराई नहीं करता, छोटा हमेशा करता है. तो जो महिलाओं की बुराई कर रहे हैं वो छोटे हैं भाई, बड़े हैं ना वो तो. तो उनकी सहन शक्ति, उनकी इतनी उनमें ताकत है, कुछ नहीं होता ना. महिलाएं जैसी हैं,
भगवती है। अब भगवती को एक चंड मुंडे इनकी क्या, मधु कैटव की क्या फर्क है, भगवती अपने स्वरूप में है मैम। ये ठीक है मैम, कमाल की बात है ना, चोर को इज्जत और कुत्ते को शुद्धगी हजम नहीं होता, तो महिलाओं की इज्जत शुद्धगी है, हर कुत्ते को थोड़ी हजम होती है। आप मतलब आप किन से सोच रहे, कुत्तों से सोच रहे हो, वही वाली बात है ना मैम कि आप एक चिंदी चोर चरसी बोलते हैं हम, मतलब जो ऐसे उसको आप चौपर दे दीजिए वो भेड़ देगा, उसको थोड़ी उसकी वैल्यू है। महिलाओं को अपनी वैल्यू बनाना पड़ेगी, और वैल्यू से मैं हमेशा कहता हूं दुनिया के दो ही एम्पावरमेंट है, एक आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आपकी कमाई का हिम्मत से आता है। जिस दिन मैं हर बच्ची को कहता हूं शादी मत करना, मैंने खुद की बेटी को ये कहा, बच्चों को ये कहा, शादी मत करना जब तक अपने पास इतना अमाउंट ना हो कि जिस दिन जाओ पति को लात मार के निकाल दो। आपके बैंक में पैसा है, सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है, आपको सेल्फ अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बस। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। আমার বিশ্বাস, আমার তো আজকের ইন্টারভিউটা মানে কথাবার্তা বলে ওনার সাথে অসাধারণ লেগেছে। আমার বিশ্বাস আমাদের যারা অডিয়েন্স আজকের এই এপিসোড দেখছেন, যারা মহিলারা রয়েছেন বিশেষ করে, তারা অনেক বেশি এম্পাওয়ার্ড, অনেক বেশি এনার্জাইজ ফিল করছেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন মাধ্যম।